हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम फिर से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। और आज जो पहले हो चुका है, देखिए उसमें एक दो टॉपिक हम स्किप किए हैं, जैसे डेसिमल। इससे पहले हम डेसिमल आपको डेसिमल टॉपिक पे हम ख़त्म किए थे, लेकिन उसमें हम एक दो क्वेश्चन को हम स्किप किए हैं, जैसे मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिविजन हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा आप खुद से कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन, तो उसको हम स्किप कर दिए हैं और आगे हम बढ़ेंगे। आज बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम आसानी से उसको निकालते हैं, ठीक है। हम एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले इसके कंसेप्ट को यदि आप समझ जाएंगे तो आसानी से एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। पूरा हम एलसीएम एचसीएफ को बताएंगे अच्छा तरीका से, जिसमें जितना भी मेथड है ये सारे मेथड को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक आप देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ कि एलसीएम क्या होता है, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हम पहले लिख दिए हैं, लेकिन पहले आपको क्लियर कराते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो एलसीएम मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 8 और 12 है, ठीक है। इस दोनों में हमारा एलसीएम क्या होगा, मतलब 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर कर दिया गया है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है कि यहाँ 8 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ पे 24 होगा, यहाँ पे 32 होगा, ठीक है। इस तरीका से यहाँ फिर हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, और इस तरीका से देखिए एलसीएम मतलब मल्टीपल जो है ना कभी खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू मतलब होगा इनफिनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये अनिश्चित है, मल्टीपल कोई भी संख्या का जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीका से वो बढ़ते चला जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, मल्टीपल कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम का मतलब वही होता है, वह छोटा से छोटा संख्या जो दी गई संख्याओं में कॉमन हो, ठीक है। एलसीएम का मतलब ये होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 का हम मल्टीपल लेंगे तो 8, 16, 24, 32, 40 और इस तरीका से और भी आता जाएगा। 12 का लेते हैं तो यहाँ होगा 12, यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 36, 48 और इस तरीका से ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसमें देखते हैं कि वह छोटा से छोटा संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 24 और ये 24 है, दोनों में कॉमन है, मतलब ये छोटा संख्या है जो दोनों में कॉमन है। और आगे बढ़ेंगे तो और भी संख्या मिलेगा जो कॉमन होगा, लेकिन हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या होता है, वह छोटा से छोटा संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो इसका एलसीएम एलसीएम कितना होगा, 24। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 24 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 4 और 6 का हमको एलसीएम लेना है तो कितना होगा, तो देखिए 4 का मल्टीपल का मतलब क्या है, 4 का टेबल पढ़ दीजिए, वो भी सही है। 4 फिर यहाँ हो जाएगा 8, 12, 16, 20, 24 और इस तरीका से ये अनंत तक जाएगा। 6 का लेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह से जाएगा, 36 मतलब और भी ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 8 है, यहाँ भी 8 नहीं है, लेकिन 12 है ना। तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 12 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको छोटा से छोटा संख्या निकालना है जो दोनों में कॉमन हो, तो छोटा से छोटा संख्या 12 है, एक ये हमारा एलसीएम का पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। ये एलसीएम का कंसेप्ट यही है कि इसी तरीका से एलसीएम निकलता है, लेकिन
एलसीएम निकालने का भी बहुत सारा तरीका है जिसको हम बताएंगे, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड हो गया, हम कैसे निकालेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एचसीएल को भी डिफाइन कर देते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए हम बात करते हैं एचसीएल का। तो एचसीएल मतलब देखिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 लेंगे और 12 ले लिए, अब ये दोनों में हमको क्या करना है, देखना है कि एचसीएफ क्या होगा। तो कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हैं, देखिए फैक्टर एक निश्चित होता है, जैसे अगर 8 का हम फैक्टर करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, फिर 2, फिर 2, 8 हो गया, मतलब 8 का फैक्टर हम कर दिए। 12 का फैक्टर करेंगे तो 1, फिर आ जाएगा हमारा 2, फिर आ जाएगा 2 और आ जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, 12 का फैक्टर क्या आया 1 × 2 × 2 × 3 और 8 का आएगा 1 × 2 × 2 × 2। ये हमारा फैक्टर है, ये खत्म हो गया। अब इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता है क्योंकि फैक्टर क्या होता है, निश्चित होता है, लेकिन मल्टीपल निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, देखिए अगर इसका हमको एलसीएम भी निकालना हो, एचसीएफ भी निकालना हो, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे एचसीएफ की बात करें, क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो 2 आया, फिर यहाँ पर भी 2 आया, ठीक है, और भी कुछ आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या होगा, एक ये 2, एक ये 2, मतलब ये जो एचसीएफ वाला 2 है वो 2 लिखिए, उसके बाद यहाँ भी 3 और 2 जो है, बाकी सबको हम लिख देते हैं 2 × 3, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 8 × 3 = 24। मतलब इसका अगर एलसीएम की बात करें तो 24 होगा और एचसीएफ की बात करें तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से जो है कि हम एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ और बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेकर के और इसके टाइप को भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ डिवीजन मेथड की हम बात करें, कहता है कि 8, 4, 10, 12 और 16 का लसा भाग विधि से निकालना है, मतलब 8, 4, 10, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है भाग विधि से। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, ठीक है, 2 से पहले लगाते हैं तो 4, फिर यहाँ के 2, फिर 5, ये 6 टाइम, ये 8 टाइम्स, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से लगाइए, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 5, 3, 4, इस तरीका से हम क्या करते हैं, बनाते हैं डिवीजन मेथड, और यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2, अगर एलसीएम की बात करें तो 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 2 और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 और 8 × 5 = 40, 43 × 120 हो जाएगा, 120 × 2 = 240 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा भाग विधि से, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टराइजेशन मेथड से अगर निकालना है तब हम क्या करेंगे, सबका फैक्टर करेंगे, है ना। जैसे 8 का फैक्टर करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर करेंगे, 12 का करेंगे और 16 का करेंगे, ये सबका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो ये आएगा 1 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा हमारा 2 × 2, ये भी हो जाएगा 1, को छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ हो जाएगा 2 × 5, फिर यहाँ हो जाएगा 2 × 3 और यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इस तरीका से निकालेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, यहाँ पे हो गया ये 2 और 5 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 2 × 3 और यहाँ हो जाएगा आपको 2 के पावर 4, ठीक है। तो एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा घात होता है पहले उसको लिख लीजिए, वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 2 की बात करें तो 2 में सबसे बड़ा घात कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब 2 के पावर 4 × 2 के बाद ये 5 है तो 5 रहेगा,
फिर उसके बाद तीन है तो तीन रहेगा, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हो गया 1680 और ये हो जाएगा 240, ठीक है निकल गया। तो इस तरीका से देखिए यहाँ भी 240 आया है और यहाँ भी 240 आ गया, दोनों इक्वल हो गया। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड और ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड। तो एलसीएम हम दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। चलिए यहाँ पे देखिए ये 36 और 24 है, इसका हम सबसे पहले भाग विधि देखेंगे कैसे भाग विधि से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो जो बड़ा नंबर है उसको अंदर रखिए और छोटा नंबर को यहाँ पे बाहर रखिए। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो वन बार में लगाइए 24 हो गया, माइनस कीजिए तो 6 में से 4 माइनस होगा 2 होगा और 3 में से 2 माइनस होगा 1 होगा। अब फिर इसको यहाँ पे लिख दीजिए 24 और फिर 12 लगाइए, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये हो गया हमारा। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ आया हमारा 12, क्योंकि यहाँ 12 से लास्ट टाइम ये कैंसिल हुआ है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 12। अगर इसी को हमको निकालना होता फैक्टराइजेशन मेथड से तो हम कैसे निकालते, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो चलिए 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। चलिए इसको अगर निकालेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में ये मैच कर रहा है, फिर ये मैच कर रहा है, उसके बाद ये मैच कर रहा है। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एक ये 2 फिर ये 2 और एक ये 3, यानी कि 2 2 4 और 4 3 12 होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, भाग विधि के द्वारा निकालते हैं और इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, मतलब फैक्टर करते हैं। तो आप इस तरीका से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं और इस तरीका से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। और देखिए कि बुक में आपको और भी बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जिसको आप अभ्यास कीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए, अपना प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। कि मेरा अभी उद्देश्य क्या है कि केवल आपको कंसेप्ट को बताऊं और ये कंसेप्ट आपको हम दिए। देखिए लास्ट में हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, अभ्यास का क्वेश्चन भी कराएंगे और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो सामने एग्जाम आने वाला भी है, 1-2 महीना में एग्जाम होगा। तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन भी आपको हम बताएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी केवल कंसेप्ट को हम दे रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे है क्या, अब भिन्नों का लघुत्तम एवं महत्तम, मतलब भिन्नों का लॉस एवं मॉस हम कैसे निकाले, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो आप यदि याद कर लेंगे तो काफी कुछ आसान हो जाएगा। जैसे भिन्नों का लॉस बराबर क्या होता है, ये होता है अंशों का लॉस बटा हरों का मॉस। मतलब क्या है कि एलसीएम ऑफ न्यूमिरेटर डिवाइड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इस तरीका से है, भिन्नों का मॉस अंशों का मॉस बटा हरों का लॉस, लॉस गुने मॉस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए इसमें अगर हमको केवल लॉस निकालने के लिए कहता तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मॉस कर देते यहां पर, ठीक है, यहाँ पे मॉस कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा। अगर हमको मॉस निकालना है तो यहाँ पे लॉस कर दीजिए तो मॉस निकल जाएगा। तो इस तरीका से जो है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पहला और दूसरा कंडीशन के लिए। जैसे यह एक फ्रैक्शन है और इसका कहा जा रहा है कि मान के चलिए लॉस निकालिए भाई, तो लॉस क्या होगा, एलसीएम की बात किया जाता है तो एलसीएम क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर क्या होता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। तो अगर 3 4 2 का एलसीएम की बात करें तो याद कीजिए कि हम पहले ही बताए हैं आपको कि लॉसा कैसे निकाले, छोटी छोटी संख्याओं का लॉसा कैसे निकाले, मतलब 3 के टेबल और 4 के टेबल और 2 के टेबल में सबसे पहले कौन ऐसी संख्या है जो तीनों का कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं तो इसका कॉमन नहीं होगा लेकिन इसका कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 3 6 भी होता है।
लेकिन उसके आगे बढ़िए, अगर 8 लेंगे तो 4 और 2 का कॉमन हो सकता है लेकिन 3 का कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 12 लेते हैं मतलब 12 लेते हैं, तो 12 3 का भी कॉमन है, 4 का भी कॉमन है और 2 का भी कॉमन है, मतलब इसका एलसीएम की बात करें तो 12 हो जाएगा। बटा में क्या करना है, मौसल लेना है, तो 2, 3, 1 का मौसल, ये तीनों में क्या शामिल है, 1 शामिल है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 1 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया, मतलब एलसीएम बराबर क्या हो गया, 12, ठीक है, बाय 1, यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर एचसीएफ की बात किया जाता, जैसे कहा जाता कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का मौस और नीचे वाले का लॉस, ठीक है। तो इसका अगर हम मौस की बात करें तो बताइए कि मौस क्या होगा, जो तीनों में मिले तो तीनों में तो कुछ नहीं मैच करेगा, तो ऊपर भी क्या होगा, 1 हो जाएगा, और नीचे वाले का हमको लॉस निकालना है, तो लॉस के लिए क्या करना है हमको, इसका कोई फैक्टर भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 6 और ये हो जाएगा 30। तो ये हमारा क्या बनेगा, लॉस, या कोई ऐसा संख्या लीजिए जो 2, 3 और 5 के टेबल में सबसे छोटा संख्या हो जो कॉमन आ जाए, तो 30 है वह छोटा संख्या जो 2 का भी कॉमन, 3 का भी और 5 का भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 3 और 5 का है लेकिन 2 का नहीं है, ठीक है, 20 2 और 5 का है लेकिन 3 का नहीं है, तो इससे बड़ा लेंगे तो इससे बड़ा क्या होगा, 30 है जो 3, 5 और 2 तीनों का है कॉमन, इसलिए ये हमारा 1/30 एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों का लॉस और भिन्नों का मौस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पे भी कुछ क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 144 है, यदि संख्या मौसा 8 है, यदि संख्या का मौसा क्या हो 8 है, तो संख्याओं का लौसा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, संख्याओं का मौसा 8 है तो संख्याओं का लौसा क्या होगा, यहाँ पे लौसा पूछा जा रहा है। तो हम जानते थे कि अगर लौसा की बात करता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब क्या हो गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 144, और बटा क्या करेंगे, मौसा करेंगे, तो मौसा कितना है 8 है, इसको डिवाइड कीजिए, ये डिवाइड कीजिए और या सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 4 × 2 = 8 काट दीजिए और 72 बार में कटेगा, और ये 18 बार में काट दीजिए, मतलब हमारा हो गया 18, मतलब 18 हमारा आंसर हो गया, लॉस कितना होगा 18 हो जाएगा। इस तरीका से आप जो है कि कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि आपको हम बता ही दिए हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, मान लीजिए ए गुने बी, मतलब ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या, अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तब क्या करेंगे, इसके नीचे एचसीएफ कर देंगे, अगर हमको एचसीएफ निकालना होगा तो ए गुने बी और यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीका से और इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि अभी तक हम जो आपको कंसेप्ट बताए हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज कुछ वीडियो लंबा हो गया है, अगले क्लास में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।